सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक टॉक्स के रिफ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों करते शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल के साथ में, यार जब सवाल ये था कि क्या आप पबजी के लिए एक्साइटेड हो या फिर आपका काम चल रहा है बीजीएमआई से, तो आपने बोला ऐसे में 32% ने कि यार पबजी जो है वो एकदम मस्त होने वाला है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बोला है 68% ने कि बीजीएमआई बिल्कुल सही है, हमको भी पबजी की जरूरत नहीं है, हम फिलहाल कर रहे हैं पूरा मजा। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसे में आज का मेरा सवाल आपसे ये है कि जो जियो फोन नेक्स्ट आने वाला है आपके हिसाब से उसकी प्राइस क्या होगी, क्या वो 3,500 का होगा या क्या वो 2,000 का होगा, क्या वो 500 रुपये का होगा या वो होगा बिल्कुल मुफ्त, क्या आपको लगता है बताना जरूर कि आपका जवाब सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए नीचे कमेंट करते हुए और हमेशा हर बार की तरह पूरी ताकत के साथ में दबा डालिए वीडियो में सीधा लाइक बटन को। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं पहले बिट को लेकर, निकल के आता है कूखा की तरफ से और यहाँ पर दोस्तों ये आ गया इंडिया में नया टीवी कूखा S3U Pro स्मार्ट टीवी। कीमत शुरू होती है 13,999 से, मतलब यार क्या क्या नए नए ब्रांड्स हैं, बस कुछ भी माल लागे बेचे जा रहे हैं। लोग लेते कैसे हैं समझ नहीं आता, टीवी लेना है कौन सा, कूखा S3U Pro, ओके क्या बात है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में अगला अपडेट निकल के आता है इंस्टाग्राम को लेके, जहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे यूजर्स के लिए ग्लोबली ये ऐप जो है फिलहाल काम नहीं कर रही थी, काफ़ी लोग इंस्टाग्राम को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। हालांकि मैंने ऐसी प्रॉब्लम नोटिस नहीं करी, आप बताना कि क्या आपके लिए इंस्टाग्राम काम कर रहा था, यानी हालांकि अभी के लिए ऑल इज़ वेल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारे पास दोस्तों यहाँ पर कहानी निकल के आती है अगली सैमसंग को लेकर, जहाँ पर सैमसंग ने गैलेक्सी Z Fold 3 और Flip 3 में जो दोस्तों नए नए अपडेट्स जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू पुश किए थे, तो अभी यहाँ जो पुराने वाले फोल्डिंग फोन्स हैं उसमें दोस्तों यहां पे जो लेटेस्ट अपडेट आया है 1UI 3.1.1 का, उसमें आपको सभी सेम फीचर्स मिल रहे हैं। मेरे भी इनफैक्ट जो गैलेक्सी Z Fold 2 में उसमें मैंने अपडेट किया, तो मतलब आपको जो नए वाले फीचर्स है ना वो बिल्कुल मिल पा रहे हैं बिना ना किसी प्रॉब्लम के, बड़े आराम से, तो यार ये काफी अच्छी बात है। वरना अक्सर फ्रेंड्स करते हैं जो नया वाला फोन आया है उसके अंदर नए वाले फीचर्स और पुराने वाले के अंदर अपडेट्स देते नहीं है, लेकिन इस बार ऐसा खैर नहीं हुआ है। यहां पर दोस्तों अगर आपसे बात में करता हूं तो GoPro का अगला एक्शन कैमरा, वो एक्शन दोस्तों कैमरा है, वो भी लगता है कि काफी कुछ नया करने वाला है। जो इमेज क्वालिटी है वो और ज्यादा एनहांस होने वाली है, दोस्तों सेंसर वगैरह है वो एकदम हाई रेजोल्यूशन वाला होगा, आपको लो लाइट के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह मिलेगी। मतलब देखते हैं एग्जैक्टली कि GoPro क्या करता है अभी GoPro Hero 10 के साथ में। यहां पर दोस्तों हमारे पास में जियो फोन जो है इसकी कीमत को लेकर ना तरह तरह की बातें निकल रही है, कोई बोलता है भैया पता नहीं इतने का, लेकिन अभी के लिए एक लेटेस्ट दोस्तों लीक निकल के आया है, हमें मालूम ही चलता है कि फोन की प्राइस कहा जाए शायद तो क्या पता 500 रुपये की हो सकती है। जहाँ पर दोस्तों जियो जो है वो पार्टनरशिप करेगा अलग अलग बैंक्स के साथ में, ऐसे में डाउन पेमेंट होगा शायद 500 रुपये का, उसके बाद में आपको हर महीने कुछ कुछ जो पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन आप जो है वो उसके बदले में काफ़ी बेनिफिट्स वगैरह उठा पाएंगे। मतलब दोस्तों आप जानते ही है ना कि जो जियो है वो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी स्कीम लेके आएगा, मतलब स्कीम होगी पक्का कोई ना कोई, जहाँ पे फ़ोन जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। लेट्स सी आखिर क्या होती है एग्जैक्ट कीमत जियो फोन नेक्स्ट की। हमारे पास दोस्तों वैसे यहाँ पे सैमसंग जो है उसकी तरफ से अपडेट यह है कि गैलेक्सी टैब S7 FE का जो वाईफाई वेरिएंट है वो इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इससे पहले दोस्तों हमारे पास में इसका LTE वाला वेरिएंट था, फिलहाल जो वाईफाई वाला वेरिएंट है कीमत शुरू होती है उसकी 41,999 रुपीज से। वैसे दोस्तों यहां पे सैमसंग जो है वही लेके आया है नया 200 मेगापिक्सल का एक ISOCELL HP1 कैमरा सेंसर, मतलब मोबाइल फोन्स में आने वाला है लिटरली, सेंसर आ गया है तो किसी ने किसी फोन में उसको लगा हुआ मिल जाएगा। 200 मेगापिक्सल्स का कैमरा, मतलब बोलते हुए ही सोचो मतलब जो है वो हजम नहीं हो रही है चीजें। और यहाँ पर दोस्तों फिर है 50 मेगापिक्सल्स वाला ISOCELL GN5 कैमरा सेंसर एकदम अल्ट्रा फास्ट फोकसिंग के साथ में। लेट्स सी कि आगे कौन से मोबाइल फोन्स में हमको लगे हुए देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में एप्पल को लेकर अपडेट ये है कि यार कैलिफोर्निया में ना पिछले महीने एप्पल की दोस्तों 2 सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो हैं एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व थी। मतलब एप्पल दोस्तों चल रही है बहुत सारी ट्रायल्स वगैरह ना अगेन टेक्नोलॉजी को जो है वो एनहांस करने के लिए, तो आगे कर देखते हैं रियलिटी में एप्पल अपनी कार को ऐसे लॉन्च कब तक करता है। यहां पर दोस्तों हमारे पास में नोकिया का G50 लीक हो गया भैया टीना लिस्टिंग के दौरान, जहां पे ये आ सकता है 6.82 इंच का डिस्प्ले के साथ में। बट नोकिया भी ना यार कुछ वो नया नहीं कर रहा है, मतलब वो मजा नहीं आ रहा है ना यार कि मतलब कुछ एकदम ऐसे नया नया लॉन्च कर दे, वही घुमा फिरा के 2-4 चीज हम देख पाते हैं। उम्मीद तो करते हैं नोकिया एकदम कुछ क्रेजी नया लेके आ जाए, सोचो कितना ज्यादा मजा आ जाएगा। वैसे दोस्तों हमारे पास यहाँ पे मार्स के चॉपर को लेके भैया बात चल रही है, चाइना ने डेवलप किया एक नया प्रोटोटाइप दोस्तों, यहाँ पे एक मिनीचर हेलीकॉप्टर डेवलप किया है फ्यूचर मिशंस के लिए।
अब चाइना वाली चीज़ पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वो बात हो जाती है। वैसे आप क्या दोस्तों कहते हैं इस बारे में? मिनी जो हेलीकॉप्टर डेवलप किया है, हाँ जो नासा कर रही है काम, वो डेफिनेटली है। इसरो भी काफ़ी मस्त वाला काम कर रही है। मंगलयान दोस्तों आप जानती हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम जो है वो सीधा पहुंच गए थे मार्स पे। अभी खैर देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या क्या होता है स्पेस की दुनिया में। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है हमारे पास में BGMI को लेके, जहां पे दोस्तों अभी यहाँ पे एक जो नया पैच आ गया है 1 सितंबर वाला। यहाँ पे दोस्तों जो भी प्रॉब्लम्स थी ना गेम प्ले को लेके और दूसरों जो बाकी तरह तरह के UI प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही थी, वो अभी सब कुछ फिक्स कर दी है क्राफ्टन ने। मतलब अभी आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से BGMI को एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में गूगल जो है वो अभी आपके लिए नई चीज लेके आया है, जहाँ पे दोस्तों गूगल सर्च हो या मैप ऑप्शन उसमें पे असिस्टेंट वगैरह हो, अभी आप बड़े आराम से COVID-19 वैक्सीनेशन जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आप ले सकते हैं। मतलब क्या अवेलेबिलिटी है, क्या डोजेज हैं, क्या दोस्तों कॉस्ट वगैरह, मतलब सभी चीजें आप बड़े आराम से गूगल के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो पूरी डिटेल्स के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में Redmi 10 Prime को टीज किया जा रहा है, जहां पे ये होगा 6000 mAh की बैटरी के साथ में, रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। बस देखना यह है कि इस प्राइम में नया क्या होता है, बिकॉज फोन तो Redmi 10 ही है ना, फिर प्राइम ऐसा क्यों एक्स्ट्रा ऐड किया है? थोड़ा सा बस कस्टमर होता है, नहीं हमने लिया है प्राइम वाला फोन। हाँ मतलब ऐसा ही होता है ऑनेस्टली। यहाँ दोस्तों हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट का जो अगला इवेंट है भैया, वो 22 सितंबर में दोस्तों फिक्स हो गया है। सरफेस हार्डवेयर लॉन्च इवेंट है, जहाँ पर दोस्तों को मिल जाएंगे नए लैपटॉप्स, सरफेस फोन Duo 2 जो है, सरफेस Duo 2 फोन कुछ भी कह लो इसको दोस्तों, ये भी शायद आ सकता है इसी दिन। लेट्स सी माइक्रोसॉफ्ट क्या क्या नया नया हमारे लिए लॉन्च करता है। यहाँ पर दोस्तों वैसे हमारे पास में रियलमी पैड को भी भैया टीज किया जा रहा है बार बार, दोस्तों ऐसे दिखा रहे हैं कितना स्लीक है, कितना स्लिम है, देखो ऐसा है ऐसा बना दिया है। अब खैर देखते हैं एग्जैक्टली किस कीमत पे रियलमी अपने इस रियलमी पैड को लॉन्च करता है। यहाँ पे दोस्तों अगली कहानी निकल के आती है हमारे पास में ट्विटर को लेके, जहाँ पे ये दोस्तों एक नया लेके आया है सेफ्टी मोड, जहाँ पे अगर किसी ने हार्मफुल लैंग्वेज को यूज़ किया है तो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पे उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा 7 दिनों के लिए। तो अगर आप ट्विटर पर हैं तो आप वैसे इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास दोस्तों यहाँ पे लास्ट अपडेट निकल के आता है पबजी न्यू स्टेट को लेकर, और यहाँ पे दोस्तों इंडिया में इसका जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो आप जानते हैं कि भैया शुरू हो ही गया था, और यहाँ पे डेट निकल के आती है कि शायद ये 8 अक्टूबर को जो है वो लॉन्च हो सकता है अपनी पूरी ग्लोरी के साथ। मैं बस देखना ये है कि इंडिया में आखिर ये पबजी न्यू स्टेट के नाम से आ पाता है क्या, या कहीं इसका नाम चेंज करता है क्राफ्टन, क्या ये BGMI का नया एक वर्जन बनता है, मतलब क्या होती है पूरी कहानी, या क्या पता 8 अक्टूबर में बहुत टाइम हो गया तब तक पहले कुछ और चीजें बदल जाए। लेट्स सी क्या होता है पबजी न्यू स्टेट का पूरा अपडेट दोस्तों। बस फिलहाल इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।